करनाल के घिंड गांव में चोरों ने एक साथ 5 मोबाइलों की दुकान पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बीती रात घिंड गांव के बस स्टैंड के पास स्थित 5 मोबाइल की दुकानों पर चोरों ने लगाई सेंध। मोबाइल, कैश, लैपटॉप व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ले उड़े चोर। सुबह मामले की सूचना मिलते ही दुकान मालिक पहुंचे। मौके पर दुकानों के शटर टूटे देख दुकानदारों के होश उड़े। सभी दुकान मालिकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। दरअसल शातिर चोर बीती रात 5 दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हो गए और दुकान में पड़े महंगे मोबाइल, पैसे, लैपटॉप व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा भी साथ ले गए। वहीं पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट और सबूत इकट्ठा किए। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन देर रात हुई इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आखिर चलती हुई सड़क पर रातों रात चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया? गेट में दुकान है जी, चौधरी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है जी, और यहाँ पे 5 दुकानों पे चोरी हुई है जी, जो कि चौधरी इलेक्ट्रॉनिक वाला का 5.5 लाख के करीब नुकसान हुआ है। ये तो एक दुकान का अपनी का बता रहे हैं, ये अपनी दुकान का बता रहे हैं जी। और इसमें 70-80 हज़ार के करीब मेरा माल था, वो चोरी हो गया, बाकी का पड़ा है। गल्ला भी मेरा साफ है, सारा कुछ साफ है। यहाँ पे 5 दुकानें हैं, सभी का नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ है सर, और सारों में बहुत ही ज्यादा। बस हमारा सामान मिल जाए, बस इसी की अभी चला था भी ऐसे चोरी हो गई बस अड्डे में, वो अभी एफएसएल टीम को बुला रखी है जी, और फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, शायद कुछ सुराग मिल जाए। सभी जगह शटर ही तोड़े हैं उन्होंने जी, लॉक सभी के लगे हैं। कई दुकानों में तो कुछ गया नहीं है, तो कई दुकानों से मोबाइल सिम भी लगाना है नहीं, चौकीदार यहाँ है नहीं, इस मार्केट में लगवाएंगे दोबारा से, मार्केट वालों को बुला के ना इनसे बात करके चौकीदार लगाने की कोशिश करते हैं आगे। सभी दुकानदारों से अपील करेंगे कि इस बारे में एक चौकीदार लगा लिया जाए, और आगे से भी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।